जिले की हंडिया तहसील अंतर्गत आने वाले टीकाकरण केंद्र हंडिया में आज बुधवार को कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत वैक्सीनेशन किया गया। इस दौरान जिला पंचायत सीईओ ने हंडिया केंद्र का भी दौरा किया, जहां पर हंडिया केंद्र में बढ़ती लोगों की भीड़ और अफरा तफरी के बीच वैक्सीनेशन किया गया। कुछ लोगों ने जिला पंचायत सीईओ से शिकायत करते हुए कहा है कि हम सुबह 6 बजे से आकर बैठे हैं, मगर हमारा नंबर ही नहीं आ रहा है। इस दौरान जिला पंचायत सीईओ ने तत्काल टोकन प्रथा लागू करने के निर्देश दिए। चैनल से चर्चा करते हुए हरदा जिला पंचायत के सीईओ राम नारायण शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया है कि हंडिया सहित विभिन्न केंद्रों पर भी कोरोना टीकाकरण अभियान जारी है, जहां लोगों की भी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत कोविड 19 का उन्हें टीका लगाया गया है। उन्होंने कहा है कुछ स्थानों पर टीकाकरण के दौरान विवाद की स्थिति निर्मित हो गई थी, वहाँ पर पहुंचकर व्यवस्थाएं दुरुस्त कराई गई। चल रहा है और वैक्सीनेशन को लेकर प्रशासन की क्या व्यवस्थाएं हैं बताएं। देखिए, जैसा कि आप और हम सब लोग जानते हैं कि पहले हमारे जो ग्रामवासी भाई हैं, शहर के वासी भाई हैं, वो वैक्सीनेशन के प्रति उतने जागरूक नहीं थे। उसके बाद में अब ये बड़ी खुशी की बात है कि हम लोगों ने उनसे अनुरोध किया और उन्होंने भी जो कोरोना का जो स्थिति देखी है उसके बाद में काफ़ी जागरूकता आ गई है और अब सब लोग आगे आकर अपना कोरोना का वैक्सीनेशन कराना चाहते हैं। सर, कहीं ऐसी स्थिति भी उत्पन्न हुई होगी जहाँ पर विवाद हुआ हो वैक्सीनेशन को लेकर? मतलब हाँ, वो जैसा कि आपको पिछला भी अनुभव आपको भी पता है कि वैक्सीन की जो डोजेज़ हैं वो उतनी मात्रा में आ रहे हैं जिससे ज़्यादा की मांग है, तो कुछ हल्का फुल्का जो भीड़ ज़्यादा हो जाती है, लोग ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं तो कुछ विवाद हो जाता है। आज एक दो जगह से हमको, जैसे कचुएड़ी आपके पास में जो गाँव है वहाँ का हमको पता चला था, अभी हमने दौरा किया, वहाँ भी शांति। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए हंडिया से बलवीर सिंह खत्री की रिपोर्ट।